हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, सपोज आपका फर्स्ट डे है किसी भी न्यू कंपनी के अंदर, आप फ्रेशर हो सकते हो, आप एक्सपीरियंस हो सकते हो, कोई सी भी कंपनी हो सकती है, टेस्टिंग की हो सकती है, डेवलपमेंट की हो सकती है, प्रोटोकॉल टेस्टिंग डेवलपमेंट किसी की भी कंपनी हो, तो आपको सबसे पहले चार चीजें आपको जरूर करनी है अगर आप फर्स्ट डे पे हो। तो सबसे पहले आपको एचआर को कॉन्टेक्ट करना है, एचआर से आपको पूरी डिटेल लेनी है कि आपका मैनेजर कौन है, किसको आपको रिपोर्ट करना है। पहले डे अगर आपकी सपोज वर्चुअल ज्वाइनिंग होती है या फिर आपकी ऑफिस में फिजिकली ज्वाइनिंग होती है, तो आपको सबसे पहले एचआर को कांटेक्ट करना है, उसका नंबर सेव कर लेना है अपने पास, ताकि आपको आईडी कार्ड बनवाना है या आपको अपना सपोज आपने नोटिस पीरियड बाय आउट किया हुआ है उसके लिए आपको कुछ डिटेल चाहिए, तो और ट्रैवल अलाउंस, सपोज आपका रिलोकेशन हुआ है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के अंदर, तो आपको एचआर का कांटेक्ट अपने पास, उसका मोबाइल नंबर, उसकी ईमेल आईडी, सारी डिटेल आप उसकी रखें। दूसरा है आपको आईटी टीम। अब देखिए, ये शुरू शुरू में बहुत प्रॉब्लम होती है, जो भी कंपनीज जिसमें भी आप जाते हो, आईटी टीम मतलब आपको लैपटॉप वही देगी, आपको सारा कॉन्फ़िगरेशन वही करेगी, कैसे टिकट रेज किया जाता है, कैसे किससे बात करें, मोबाइल नंबर सबका आपको आईटी टीम से कांटेक्ट करके आपको हमेशा रखना है, क्योंकि ये आपको हमेशा हेल्प करेगा। आपको जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराना है, टेस्टिंग का, डेवलपमेंट का, टूल्स इंस्टॉल कराने हैं, कोई भी ऑटोमेशन के लिए आपको फ्रेमवर्क इंस्टॉल कराने हैं, तो आईटी टीम सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर ये तो आपकी शुरू की हो गई, और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपके प्रोजेक्ट मैनेजर। अब देखिए, नॉर्मली मैंने देखा है कि लोग मतलब जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है, सपोज आपको कोई प्रोजेक्ट एलोकेट हुआ हुआ है, कोई टीम एलोकेट हुई है, वहाँ आपको एक प्रोजेक्ट मैनेजर मिलेगा, उसकी सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, क्या उसकी एक्सपेक्टेशन है, उसको आप ध्यान से सुने। अगर सारी कंपनी के अंदर आपकी प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं सुनता है, और चाहे दुनिया में ऑफिस के अंदर सब आपकी सुनते हैं, बेकार है, आपकी जिंदगी ऑफिस के अंदर बिल्कुल खराब हो जाएगी। आपको अपने प्रोजेक्ट मैनेजर अगर आपका सुनता है आपकी, चाहे आपकी कोई नहीं सुनता हो, लेकिन आपका प्रोजेक्ट मैनेजर आपकी सुनता है, तो आप हमेशा फायदे में रहेंगे और आपको हमेशा चीजों का एक्सेस मिल जाएगा, क्योंकि आपकी बॉन्डिंग प्रोजेक्ट मैनेजर से बहुत अच्छी है। नॉर्मली मैंने देखा है लोगों को अपने प्रोजेक्ट मैनेजर से खराब कर लेते हैं, उसे सुना देते हैं या उसकी सुनते नहीं है, उसकी एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाते। देखो, चमचागिरी करना अलग बात है, लेकिन अपने मैनेजर को समझना ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप उसको समझोगे ही नहीं, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, तो सही नहीं रहेगा। आपको जितने दिन आप ऑफिस में रहोगे, हमेशा आपको प्रॉब्लम आएंगी। अगर आपका लक ही खराब है कि आपका वो बंदा ही, प्रोजेक्ट मैनेजर ही खराब है, तब तो भाई आपका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन बंदा सही है और आप फिर भी उससे फालतू में उलझ रहे हो, उसकी बात नहीं सुन रहे हो, तो वो आपको कभी भी हेल्प नहीं करेगा, हमेशा आप दुखी ही रहोगे ऑफिस के अंदर, ये मेरे से लिखवा के ले लो। तो अपने प्रोजेक्ट मैनेजर से आप हमेशा बना के रखें। चौथी है आपकी लर्निंग एटीट्यूड। अब देखिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, लोगों में ये होता नहीं है, मैंने जहां तक देखा है अपने एक्सपीरियंस के अंदर, लोग सीखना नहीं चाहते और नई नई चीजों को सीखने में उन्हें दिक्कत होती है, कोई ट्रेनिंग अगर उन्हें मिल रही है तो वो लेना नहीं चाहते, कोई कोर्स करना है वो करना नहीं चाहते। अपनी स्किल को आपको डेवलप करते रहना है, अगर आप 3G आती है तो 4G सीखने की कोशिश करो, 4G आती है तो 5G सीखने की कोशिश करो, 5G अगर अच्छी आ गई है तो 6G में भी हम नया नया कुछ स्टार्ट हो गया है, उसकी रिक्वायरमेंट्स आनी स्टार्ट हो गई है, उसके वाइट पेपर्स आने स्टार्ट हो गए, तो लर्निंग आपको हर जगह करनी पड़ेगी, आप डेवलपमेंट में हो, टेस्टिंग में हो, क्लाउड में हो, किसी में भी सेल्स में हो, तो हर जगह आपको लर्निंग एटीट्यूड आपको रखना पड़ेगा। तो ये चार चीजें आप फर्स्ट डे पे अगर अपने माइंड में रखेंगे, एचआर से कॉन्टेक्ट करके रखें, आईटी टीम से हमेशा बना के रखें, वो आपकी हमेशा हेल्प करेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर से सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी कंपनी के अंदर, वो आपकी सारी चीजें सॉल्व करा देगा, सब कुछ हल करा देगा, अगर आपका उससे सही लिंक है, उसे हमेशा बता के रखें कि आप क्या कर रहे हो, किसको सपोर्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं कि दूसरी टीम के बंदे को सपोर्ट कर रहे हो, उसे पता ही नहीं कि मेरा मेरा जो चाहे वो टीम लीड है, चाहे वो इंजीनियर, वो किसी और को सपोर्ट कर रहा है, मुझे पता ही नहीं। तो आपको अपने मैनेजर से एक रैपो बना के रखनी है, ताकि उसे लगे कि बंदा मेरे हमेशा सिंक में रहता है, उसे अप टू डेट रखना है जो भी आप काम कर रहे हो। फिर है लर्निंग एटीट्यूड, ये आपका हमेशा पूरे करियर में काम आएगा और इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो ये चार मेरे प्रोजेक्ट
पॉइंट्स थे जो आपको फर्स्ट डे से ही किसी भी न्यू कंपनी में आप स्टार्ट कर दें, आपकी बहुत ज्यादा वैल्यू होनी स्टार्ट हो जाएगी कंपनी के अंदर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।